करनाल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी घर तो कभी दुकान में चोरी, अब चोरी की जो वारदात हुई है उसने सबको हैरान कर दिया। करनाल के सेक्टर 13 में एक चोरी की वारदात हुई। दरअसल परिवार के लोग अपने परिवार के किसी मौत की शोक पर शहर से बाहर गए हुए थे और घर में रखा सोना चांदी डायमंड व कैश, महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड शराब, ब्रांडेड कपड़े आदि चोर घर से चुरा कर फरार हो गए। उन्होंने घर की तसल्ली से चोरी की। इतना ही नहीं, चोरों ने घर पर बैठकर शराब पी और मंदिर में रखी भगवान की चांदी की मूर्ति भी अपने साथ ले गए। वहीं घर के बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए चोर डीवीआर को भी अपने साथ ले गए ताकि चोरी का पता ना चल सके। घर के पड़ोस के लगे सीसीटीवी में एक चोर सुबह के समय बाहर कूदता हुआ नजर आया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। ट्यूजडे शाम को हम लोग बाहर गए थे, मेरे कजिन एक्सपायर हो गए थे, यंग थे तो हम लोग इसलिए गए। मम्मी और मेरी बेटी को हमने बुआ के घर छोड़ा उनकी, और हम दोनों गए। वापसी आए हैं तो हम सुबह 10 बजे पहुंचे हैं और घर के ताले टूटे हुए थे। देखा है तो घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा गोल्ड, सारी ज्वेलरी, इवन कपड़े नए, हैंड बैग्स सब चले गए। गोल्ड सिल्वर का तो कोई हिसाब नहीं है, सिल्वर कॉइन्स का तो हिसाब नहीं है कि कितना गया। कितने की चोरी है और सीसीटीवी वगैरह भी? सीसीटीवी में वो डीवीआर उतार के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आ ही नहीं सकता जब वो डीवीआर ही उतार गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले डीवीआर उतारा होगा, जो दिख गया होगा कि कैमरे, क्योंकि मेरी लॉबी में भी कैमरे लगवा रखे हैं, मैंने पैसेजेस में कैमरे लगवा रखे हैं कि मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने तो उनके चक्कर में लगवाए थे। ऐसा थोड़ी ना पता था कि ये नौबत आएगी कि कैमरे, वो तो कैमरे बाहर के भी उतार के गए हैं। क्या क्या चीजों की चोरी हुई है? गोल्ड है बहुत सारा, डायमंड के सेट्स, गोल्ड के सेट्स, मंदिर कैश, मंदिर की मूर्तियां, सारी चांदी, बहुत की चोरी है। कह नहीं सकते है तो, आप तो वैल्यू नहीं पता। 3 लाख रुपए तो कैश, 3.5 लाख रुपए कैश घर से गया, बाकी और देखेंगे तो पता लगेगा। इससे पहले कभी देखी गई पुलिस यहाँ पर? सर पुलिस आती है, पुलिस है, ये मेन चौक है 13-14 का, 13-14 का लिंक पे हम लोग बैठे हैं। 37 ईयर्स हो गया मुझे इस घर के अंदर रहते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये बात कह रही हूँ, पिछले जितने सालों से बीजेपी सरकार आई है, ये काम हमारे करनाल के अंदर ना सोचा है। करनाल का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। सर डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी को हुई है, हमने कैलकुलेट नहीं करी क्या है क्या नहीं है। वी आर नॉट माइंड सेट, अपने माइंड हमारे भी बिल्कुल सेट नहीं है कि हमारा क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ चोरी हुआ है। मेन सर बात ये होती है, एक सिंगल रिंग चोरी होना और एक बहुत ज्यादा रिंग चोरी होना हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। शराब वगैरह बैठ के भी पिए? बिल्कुल सर, पिए उन्होंने। ये हमारे पास फोन आया था कि 1934 के अंदर चोरी हो गई है, जो हम सूचना पा के मौके पे आए हैं। जो मकान मालिक ने हमें बताया कि हम 2-3 दिन से बाहर थे, बाहर होने की वजह से अभी ने भी प्रॉपर नहीं पता कि ये चोरी कब हुई है। अभी ये परिवार की तरफ से हमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी और उसी जानकारी के आधार पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें इन्होंने ना ही किसी तरह की डिटेल शिकायत दी और ना भी हमारे संज्ञान में आया किस किस चीज की चोरी हुई। तो डीवीआर भी ले गए? हाँ, अभी ये चीज सामने आई कि डीवीआर इनका लेके गए हमारे साथ में। किसी और सीसीटीवी में आ रहा है? अभी गली में और कैमरे वगैरह हैं, अभी उनको चेक किया जाएगा प्रॉपर तरीके से और इसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की। सोना चांदी ले गए? अभी ये तो जांच कर रहे हैं।